तो वैसे यहाँ पे पाइप पड़ा है, चेक कर रहे हैं। तो गाइस हमने एसएस के रोड भी ले लिए, हमने देखो यूएसडी फॉक्स लिए दो सेट, एक सेट पड़ा मुझे 6000 में, 12000 का यूएसडी फॉक्स, मतलब आज 18000 की हमने खरीद देगी करनी पड़ती है, क्योंकि गाइस हमको प्रोजेक्ट खत्म करना है, इसके लिए 18000 की खरीदी कर ली हमने। सो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कल मैंने वीडियो में बोला था कि अपनी हल को जो R1M की किट लगाई हुई है तो वापस R1V3 बना दे, तो इतनी सारी कॉमेंट आई ना, धवल भाई ऐसा मत करो, चलो कोई नहीं आप मना कर रहे हो तो नहीं करेंगे, अपन यही किट रखेंगे। और एक बात कि ये जो R1M की किट है वैसी दूसरी किट लाएंगे अपन R1M की ब्लैक कलर की, क्योंकि रेड कलर सिल्वर कलर आरसी बुक में मेरे ब्लैक कलर है, उसके लिए ब्लैक किट लाएंगे, मतलब ऐसे ही दूसरी किट लाएंगे, उसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट करेंगे एंड यही रखेंगे। एंड अभी जा रहे हैं अपन नारोल, अपना जो काम चालू है अभी काम करते हैं, अपने जो 800cc का प्रोजेक्ट है उसके अंदर 3 साइलेंसर है, तो तीनों पाइप बनाएंगे, एसएस की पाइप लेके आएंगे एंड छोटा मोटा बहुत काम है वो खत्म करेंगे। तो 11:18 हुआ है एंड बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, सामने गाय है तो गाय वापस ना भेज दे तो अच्छा है घर पे पीछे भाग के। चलो तो गाइस उस दिन क्या हुआ था कि बाइक का साउंड ना बहुत लाउड था एंड मार्केट में जा रहा था एंड गाय वैसी है सबके पीछे भागती है वो गाय, एंड उस दिन मेरे पीछे भागी एंड मेरे पीछे भागी भागी खतरनाक भागी थी। वो वीडियो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, इंडिया में भी हुआ एंड बाहर भी बहुत मीम्स बने उसके। चलो ये तो होता रहता है एंड अभी पर निकलेंगे फटाफट नारोल एंड देखो सामने बच्चा बाहर आ चुका है, मेरे बाइक की आवाज़ सुन के वो बाहर ही आ जाता है हर रोज। टाटा, पेट्रोल 2 पॉइंट है, चलो चलेगा, अभी तो लेट हो रहा है, अभी तक फैशन पे आए नहीं है। हेलो फैजन भाई, कहाँ पे हो? तो कैसे अभी 12:30 हो गए एंड फैजन भाई आ चुके। फैजन भाई कैसे हो? फैजन भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब लगती है मुझे एंड फैजन भाई कोई काम भी आया हुआ है, देखो गाड़ी का काम करना है, पीछे गाड़ी है उसका काम करना है, वो काम खत्म करते हैं अपना काम चालू करेंगे, बस आज थोड़ा टाइम लगेगा। तो कल संडे था, कल फैजन भाई गए थे वाइफ को मिलने के लिए, पता नहीं क्या क्या होगा कि फैजन भाई को बुखार आ गया है। भाभी के पास ऐसा क्या कर दे कि बुखार आ गया? दो बज चुके हैं एंड फैजन भाई अभी भी काम कर रहे हैं। देखो ये गाड़ी का कुछ यहाँ पे प्लेट लगाना था, लंबा वाला प्लेट, वेल्डिंग करते जा रहे हैं, मतलब हर रोज तो अपना काम करते ही है, तो छोटा मोटा काम किसी कस्टमर का करना पड़ता है वो खत्म करने दो, उसके बाद जाएंगे मार्केट में। तो गाइस हमारा जो इंजन है 800cc का, उसके लिए हमको बैंड पाइप बनाना है एसएस का, तो एसएस का मटेरियल लेने के लिए जाएंगे, ये काम खत्म कर दे। ये गाड़ी का काम करते करते 4 बज गए, चलो फटाफट अभी निकलते मार्केट में सामान लेने के लिए, सामान लेके आएंगे एंड थोड़ा लेट तक काम करेंगे। तो बस देखो दुकान बंद ही कर रहे थे तो फैजन भाई मास्क भूल गए, ले लेते हैं, निकलते फटाफट एक्टिवा लेके, बाइक हमारी यहीं पे रहेंगी, हमारी हल्की यहीं पे रहेंगी। चलो 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 गाइस, हल्की बॉडी चेंज नहीं करेंगे, अब इतना सारा जो प्यार करते हो मेरी हल्क से वही बहुत है। चलो तुम्हारा कबाड़ी का ले लो, पहले जाएंगे बेरमपुरा वो आगे का मैगी लेने के लिए, मैगी लेके आएंगे, उसके बाद देखते हैं अभी बहुत सारा सामान लाना है, जैसे कि एचएस की पाइप लानी है बैंड पाइप बनाने के लिए। तो गाइस अभी हम एक चीज़ भूल गए, जो हम बैंड पाइप लेने वाले हैं, जो बैंड पाइप बनाने वाले हैं, तो एचएस की पाइप चाहिए, उसके लिए हमको साइज चाहिए, तो हमारा जो एग्जॉस्ट है, तो वापस आए अपन शॉप पे, फटाफट अपना एग्जॉस्ट लेके जाएंगे। तो गाइस हमने एग्जॉस्ट खोल लिया है, तो यहाँ पे देखो जैसा हॉल है ये साइज़ का हमको एचएस का पाइप चाहिए, चलो लेके निकलते हैं। सभी अपन बेरमपुरा जा रहे हैं कबाड़ी मार्केट, वहाँ से लाएंगे मैगविल, जो आगे थोड़ा ब्रॉड रखना है मेरे बाइक में, वैसा बोलो आपको तो वैसा मैगविल। एंड हाँ और एक बात आ रहे हैं, तो और एक चीज़ लेके आएंगे, जो हम पीछे टेल रखने वाले हैं R1M की, वो जो R1M में आती है वही ब्रेकेट आएगी, तो वो भी देख लेंगे, कबाड़ी मार्केट में मिल जाए तो अच्छा है। एंड साइड की पैनल भी चाहिए हमको, छोटी सी सीट के नीचे पैनल आती है वो पैनल चाहिए, एंड सीट R1V3 की सीट भी चाहिए, तो कबाड़ी में मिल जाए तो अच्छा है। तो गाइस और एक बात कि हम कबाड़ी में से क्यों सामान ले रहे हैं, तो गाइस मॉडिफाइड कर रहे हैं, तो गाइस नया सामान लेने जाएंगे ना तो बहुत ही महंगा पड़ता है, बहुत ही मतलब। तो बेरमपुरा कबाड़ी मार्केट आ चुके हैं, पहले तो फटाफट मैगी ले लेते हैं, उसके बाद आगे जो लेना सब लेते हैं। तो गाइस टाइम देखो 6 बज चुके हैं एंड हमने देखो USD फॉक्स लिए दो सेट, एक सेट पड़ा मुझे 6000 में, 12000 का USD फॉक्स गोल्ड वाले, देखो BMW सिंबल है, बट अपाची में BMW में सेमी आते हैं एंड मैगविल लिया हमने, बट बनाना है तो बनाना है कुछ भी होवे। चलो
अभी निकलते फटाफट बाहर, जाते हैं अपन एचएस का पाइप लेने के लिए। अभी कहाँ जाएंगे फैजन भाई? रखे जाना पड़ेगा। चलो तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हमने लगाए हुए यूएसबी फॉक्स तो भी मैं दूसरे दो सेट क्यों लिया। वो जो लगाए हुए उसमें कैलिपर लगेगा नहीं, देखना वो सिंगल साइड के कैलिपर वहाँ पे लगता नहीं है। जो कैलिपर लगता है वो यूएसबी फॉक्स दो सेट लेने पड़ते हैं तभी उसका एक सेट कम्प्लीट होता है डबल डिस्क वाला। तो हमने अभी दो सेट लिया, इसमें से भी अभी दो यूएसबी फॉक्स हमारे बचेंगे, वो भी जाएंगे वेस्ट। सिंगल चंपर बेचता नहीं है, सिंगल साइड के दो चंपर बेचता नहीं है, प्रॉब्लम वो है। मतलब कि मैंने बहुत ट्राई किया, वो भाई ने नहीं दिया यार। यूएसबी फॉक्स का दो सेट लेना पड़ा, सिंगल नहीं मिला। चलो कोई नहीं, खर्चा हुआ है बट क्या करें गाइस, बाइक जो बनाना है काम ओवर अटकना नहीं चाहिए। आप सबका प्यार है वही बहुत है मेरे लिए। फैजन भाई के मामा के यहाँ पे शॉप है, वहाँ पे रखेंगे सामान एंड पाइप लेके आएंगे, रख दो नीचे। तो यहाँ पे हमने रख दिया हमारा यूएसबी फॉक्स एंड फटाफट अभी एसएस की पाइप लेके आएंगे, बाद में यहाँ से लेके जाएंगे जंपर भी एंड ये वाला एग्जॉस्ट लेके जाएंगे, क्योंकि हमको इनलाइन थ्री बनाना है, सुपर बाइक जैसा लुक देना है पाइप का, इसके लिए पाइप लानी पड़ेगी। चलो चलो फटाफट, ये जाम हो गया ब्रेक गाइस। अभी फैजन भाई की एक्टिवा में ब्रेक जाम हो गई, मतलब आगे पीछे जा ही नहीं रही है। तो यहाँ से लेंगे एसएस का पाइप, ये है 50 का, आपको 45 जोड़ी लेना पड़ेगा ये। अच्छा हाँ, इसके अंदर आए वो हमारे पास नहीं, आगे मिलेगा अलग। तो यहाँ पे नहीं है पाइप, आगे है ऐसा बोला। तो वैसे यहाँ पे पाइप पड़ा है, चेक कर रहे हैं एंड पीछे बड़ा चाहिए पाइप, बड़ा हॉल एंड आगे छोटा हॉल, ऐसा कुछ चाहिए। तभी भाई ने ऐसा बोला कि आगे छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, यहाँ पे टुकड़े नहीं है पूरी पाइप है एंड पूरी पाइप तो हमको लेनी नहीं है, है ना भजन भाई? पाइप का तो काम है, अभी आगे जाएंगे, आगे है यहाँ पे टुकड़े मिल जाएंगे। चलो फटाफट वहाँ पे। तो 7 बज चुके हैं एंड हमने एसएस के पाइप ले लिए। देखो ये पाइप लिया है बड़ा एंड ये छोटी पाइप थिकनेस में, क्योंकि ये निकलेगा इंजन से एंड ये अपने मफलर में होगा, ऐसा कुछ है। बहुत महंगा पड़ा है, कितने का आया? 1480 रुपये, 255। हाँ 255 रेट था इसका एसएस का, तो 6 किलो हुआ ना, 6 किलो हुआ। तो अभी जाएंगे फटाफट एसएस के रोड लेने के लिए, वेल्डिंग रोड, उसके बाद जाएंगे शॉप पे एसएस के रोड। तो गाइस हमने एसएस के रोड भी ले लिए, मतलब पूरा पैकेट लेने से भी मतलब है नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ पाइप ही वेल्डिंग करना है ना। देखो इतने कितने नंग लिए? 30 नंग लिए, 9 रुपये का एक। तो गाइस अभी 8:30 बज चुके हैं एंड हम गए थे मार्केट में सामान लेने के लिए, सब सामान मिल चुका है हमको। देख लो पहले तो यूएसबी फॉक्स गोल्ड वाला देख लो, हमको दो सेट लेने पड़े क्योंकि ये एक सेट है, एक सेट में यहाँ पे कैलिपर लगेगा एंड सामने ऐसा आता है, तो एक सेट है वैसा दो लिया, तो दो सेट हुए। एंड देखो यहाँ पे भी है यूएसबी फॉक्स, इसमें देखो इसमें कहीं भी कैलिपर लगेगा नहीं, यहाँ पे कहीं पे कैलिपर लगेगा नहीं, ये तो हमारे वैसे वेस्ट ही है एंड ये दो काम आएंगे एंड ये दो वेस्ट है, मतलब 4 हमारे पास वेस्ट हो गए। तो गाइस देख लो यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है बीएमडब्ल्यू का, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है बीएमडब्ल्यू का एंड ये वाले पे भी लगा हुआ है बीएमडब्ल्यू का। ये यूएसबी फॉक्स बीएमडब्ल्यू 310 एंड बहुत सारी गाड़ी में यूज होते हैं एंड अपाची 310 उसमें भी यूज होते हैं, बट हमने लिए 6000 में एक, तो 12000 में दो सेट पड़े हमको, तो 12000 में वो पड़े एंड 3000 का मैग्यूल आया, 12, 3, 15 एंड एक 16000 एंड एसएस का पाइप आया, वो आया 1500 रुपये का, 17500 एंड एसएस के रोड आए वो भी 500 रुपये के, मतलब आज 18000 की हमने खरीदी की, करनी पड़ती है क्योंकि गाइस हमको प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, इसके लिए 18000 की खरीदी कर ली हमने, कि पुराना सामान भी इतना महंगा मिल रहा है तो सोच लो कि नया लेने जाएंगे ना। मतलब देखो यूएसबी फॉक्स नया है, एकदम परफेक्ट वर्किंग करते हैं, मैंने दबा के भी देखा एकदम परफेक्ट वर्किंग करते हैं एंड अभी लोचा ऐसा हुआ, हम जो लेके आए थे ये मैगविल, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अंदर से थोड़ा डैमेज है, तो कबाड़ी में दूसरा पड़ा हुआ है मैगविल है, तो कल चेंज करके आएंगे एंड ये वाली डिश लिया हमने, ये वाली डिश इसका नहीं है, बोल्ड के हॉल मैच हो रहे बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है डिश। चलो कोई नहीं, उसको कट लगा के कर सकते हैं एंड आपके पास किसी के पास डिश हो ऐसा डेटोना का CBR का सबका सेम आता है तो मुझे बोलना, ले लेंगे अपन एंड वही एंड आज सामान लेके आए। देखो एसएस का पाइप ये रहा, देखो गाइस एसएस का पाइप ये रहा, यहाँ पे रखा है, तो कल काम चालू करेंगे, कल इसका बैंड पैक बनाएंगे। क्या भजन भाई, कल हमारा सुबह में जल्दी काम पता के गाड़ी का। ओके तो 9 बजने वाले हैं एंड यूएसबी फॉक्स ना मैंने बहुत ढूंढे, जो नीचे कैलिपर रखता है ना वो पार्ट बहुत ढूंढा, नहीं मिला, इसके लिए मुझे
ये वाले यूएसबी फॉक्स खरीदने पड़े, दो सेट खरीदने पड़े। एंड एसएस का जो पाइप लेके आए उसको कल कटिंग करेंगे, छोटा कटिंग कर करके शेप देंगे। सुपर बाइक में कैसा आता है कि ऊपर से तीन पाइप आती है इंजन से, नीचे से एक होती है, वैसा बनाएंगे अपन, हाथ से बनाएंगे, देखना गाइस। एंड बनाएंगे ऐसा ना कि आप लोग देखते रह जाओगे, ऐसा बनाएंगे। इसके लिए हम एसएस का ओरिजिनल पाइप लेके आए एंड एसएस के रोड भी लेके आए। सीट के नीचे एक एग्जॉस्ट रखेंगे, जैसा मैंने आपको बोला, सिंगल ना बहुत ही अच्छा लगेगा, डबल डबल ना यार बहुत ही यार अच्छा दिखता है, बट सिंगल से ही आवाज़ भी अच्छी आएगी, स्मूथ आएगी एंड मज़ा भी आएगा। बॉडी का तो गाइस रुको, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो कि भूजा की बॉडी डालो, डुगाटी V4 की डालो, मतलब डुगाटी क्या बोला था, V4 ऐसा कुछ बोला था, उसकी बॉडी डालो। बट गाइस अपन बनाएंगे, रुको जरा, सब्र करो, बनाएंगे वो, देखो बहुत ही खतरनाक वाला बनाने वाले अपन। एंड आगे डबल डिश करनी है, वो भी करेंगे। अभी तो सिंगल डिश लेके आए चेक करने के लिए, अभी हम जो सिंगल डिश लेके आए वो इसलिए लेके आए कि अभी चेक करेंगे कि कैलिपर कहाँ आता है, वो सब कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।